दोस्तों, आज के इस लेसन में हम लोग बात करेंगे एंजल लॉ के बारे में। ये एंजल लॉ होता क्या है? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी जॉब कर रहा है और उसका सैलरी मान लीजिए 5,000 पर मंथ है। मान लीजिए, ठीक है, मन दुख मत कीजिए, देखिए 50,000 है सैलरी। कितना सैलरी मिल रहा है उसको? 50,000 पर मंथ मिल रहा है। ठीक, पहले स्टोरी सुन लीजिए। और इसका जो फूड एक्सपेंस है, फूड एक्सपेंस खाने के ऊपर जो खर्चा कर रहा है, मान लीजिए कितना सैलरी मिल रहा है? 50,000 पर महीना। और फूड एक्सपेंस मान लीजिए 10,000 कर रहा है महीने में। ठीक, लेकिन बात ये हुआ, अच्छा काम किया वो आदमी ने और उनका प्रमोशन हो गया। ठीक, अब प्रमोशन के बाद उनका सैलरी अब क्या हो गया? मान लीजिए 1,00,000 हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए 1,00,000 हो गया। ठीक, लेकिन यहां पे फूड एक्सपेंस जो है ज्यादा से ज्यादा 15,000 तक हुआ मान लीजिए। ठीक, यही होता है एंजल्स लॉ। कैसे? देखिए, जब आपको 50,000 मिल रहा था तो आपने खाने के ऊपर खर्चा किए 10,000। अब आपका सैलरी कितना है? 1,00,000 है और आप खाने के ऊपर कितना खर्चा करें? 15,000। जरूर जाहिर सा बात है, यहाँ पे आपका फूड एक्सपेंस जो है 10,000 से 15,000 हुआ है। लेकिन अगर आप देखा जाएगा तो आपका इनकम जो है 1,00,000 तो हुआ है। जब डबल हुआ है इनकम, लेकिन आपका जो फूड एक्सपेंस है बस जरा सी बढ़ा है। मतलब एर्नेस्ट एंजल जो जर्मन के इकोनॉमिस्ट थे, स्टैटिस्टिशियन थे, वो बोले जब आदमी का इनकम बढ़ेगा, खाने पर जो खर्चा होगा प्रोपोर्शनेटली कम होगा। ऐसे में तो देखा जाएगा बढ़ रहा है, 5,000 यहां बढ़ रहा है, लेकिन घट रहा है। मतलब अगर यहां 2,00,000 सैलरी हो जाएगा तो 20,000 हो सकता है या 25,000 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा खाने के ऊपर खर्चा। मतलब जितना सैलरी बढ़ रहा है उसी हिसाब से, उसी इक्विवेलेंटली वो बढ़ नहीं रहा है। इसको कहते हैं एंजल्स लॉ। वेरी सिंपल है ना? और एक बात ध्यान रखना चाहिए, ये 1857 में ये जो इकोनॉमिक का फेमस थ्योरी या लॉ बोल सकते हैं वो आया था। मैं समझता हूं ये सारे चीज आपको क्लियर हुआ। और लास्ट में एक चीज बोलूंगा, फूड एक्सपेंस तो कम हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या होगा? जो लग्जरी आइटम्स, ठीक, ये चीज और इसके ऊपर जो एक्सपेंस होता है बढ़ जाता है। ये चीज ध्यान रखना, इसका जो एक्सपेंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, मैं समझता हूँ ये सारी चीज आपको क्लियर हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।